अगले हफ्ते आ सकते हैं हाई स्कूल के अंक पत्र। साथी जय हिंद, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे दसवीं का रिजल्ट कब तक आ रहा है और बारहवीं का रिजल्ट जैसा कि बन के तैयार हो गया है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंच गया है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम पूरा अथॉन्टिक चीजें बता देंगे। आज का दोस्तों न्यूज़पेपर में निकला हुआ दोस्तों यह मैटर है। साथ ही आइए हम आपको एक एक बातें बताते हैं। यहाँ देखिएगा प्रयागराज दोस्तों संवाददाता से दोस्तों पेपर जो है वो दोस्तों निकाला गया है। इसमें दोस्तों देखिएगा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के अंक पत्र पिछले हफ्ते क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंच गए थे। जैसा कि आप सबको पता है पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें दोस्तों आप सबके जो भी डॉक्यूमेंट हैं रिजल्ट वो आपके पहुंच गए हैं क्लास ट्वेल्थ वालों का। लेकिन साथ ही अब तक हाई स्कूल के अंक पत्र नहीं आए हैं। यह अंक पत्र अगले हफ्ते तक आ सकते हैं, यानी हाई स्कूल का अंक पत्र अगले सप्ताह तक आ सकता है। वहीं दोस्तों इंटरमीडिएट के अंक पत्र शनिवार को DIOS कार्यालय भेज दिए जाएंगे, यानी शनिवार को यानी सैटरडे को आप सबका जितने भी दोस्तों DIOS हैं कितने आप सब जानते हैं 23 DIOS दोस्तों कार्यालय में तो पहले भेज दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही आपका यूपी का ध्यान दीजिएगा, यूपी का परिणाम 1.5 महीने पहले जारी किया गया था यूपी बोर्ड का, लेकिन साथ ही परिणाम जारी करने के बाद महीने भर के अंदर अंक पत्र जो है वो भेजना था सभी विद्यालयों में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंटरमीडिएट का अंक पत्र ही भेजे जाएंगे सबसे पहले। पिछले हफ्ते प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ ये पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में आपका क्षेत्रीय कार्यालयों में अंक पत्र पहुंचा दिए गए थे साथी, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल के अंक पत्र की बात किया जाए तो उसमें आने में उसके अभी इंतजार है, यानी क्षेत्रीय कार्यालय में रखा गया था। योजना थी कि 1 महीने के अंदर DIOS कार्यालय में भेज दिया जाएगा। ये आप सबके रिजल्ट को लेकर है, यानी दसवीं और बारहवीं की जो मार्कशीट है वो 1 महीने के अंदर आप सबका भेज देना चाहिए था DIOS ऑफिस में, ठीक है। ये बोर्ड का दोस्तों बिल्कुल कहना है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा हो नहीं पाया। 1.5 महीने आपके बीत गए सप्ताह भर के इंतजार के बाद हाई स्कूल के अंक पत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। साथ ही यहाँ देखिएगा क्षेत्रीय सचिव विभा मिश्रा ने बताया कि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए परीक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को अंक पत्र की जरूरत है, इसीलिए इसे शनिवार को भेज दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा शनिवार को भेज दिया जाएगा। प्रयागराज से दोस्तों 23 जिलों के DIOS कार्यालय में भेजा जाएगा, यानी प्रयागराज में कुल प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुल 23 जिले आते हैं साथी। कितने 23 जिले, जिसमें साथी आप सब 23 जिले आते हैं, जिसमें साथी आप सबको बता दूं सभी में DIOS ऑफिस भेज दिया जाएगा बारहवीं का रिजल्ट। वहीं दोस्तों आप सबको बता दें वहीं से विद्यालय के कर्मचारी इसे ले जाएंगे और दोस्तों अगले सप्ताह तक दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगले सप्ताह तक इसका दोस्तों वितरण शुरू हो जाएगा, यानी आपका मंडे से दोस्तों रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शनिवार को आपके दोस्तों विद्यालय में यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय में भेज दिया जाएगा, वहाँ से दोस्तों सभी स्कूल के कर्मचारी लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हाई स्कूल के अंक पत्र अगले सप्ताह आने की संभावना है, यानी दोस्तों हाई स्कूल का भी अगले सप्ताह यानी मंडे ट्यूजडे वेनजडे तक दोस्तों आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो साथ ही यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही अथॉन्टिक था जो आप सबके लिए लेकर आए हैं। आप सबके विशेषकर जो क्लास ट्वेल्थ वाले हैं क्योंकि उनको ग्रेजुएशन है दोस्तों किसी डिप्लोमा या दोस्तों किसी अदर संस्था में अपना एडमिशन लेना है, तो उसके लिए दोस्तों अंक पत्र मूल रूप से होना अनिवार्य है। तो साथ ही इसका इंतजार अब खत्म हो जाएगा, अगले सप्ताह बिल्कुल दोस्तों आप सबको मिल जाएगा। तो साथ ही इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक दोस्तों बड़ा सा लाइक दीजिएगा और चैनल पे दोस्तों नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो बड़ा तो लाइक दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं यदि आप चाहते हो दोस्तों कि इस तरह का अथॉन्टिक अपडेट आपको मिलता रहे तो दोस्तों बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे दोस्तों जो भी अपडेट आ रही है आप सबको हम बताते रहें और आप तक पहुंचता रहे साथी सबसे पहले, ठीक है। तो साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।